नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि स्पिरिचुअल आदमी में और एक आम आदमी में क्या फर्क होता है। मित्रों, कोई फर्क नहीं होता। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये स्पिरिचुअल आदमी सेटिस्फाई रहता है? ऐसा भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, स्पिरिचुअल आदमी और आम आदमी में फर्क यही होता है कि स्पिरिचुअल आदमी हर वक्त अपने आप को जानने की कोशिश करता है, वो पूरे ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करता है। वो ये जान पाता है कि ब्रह्मांड में जो पांच एसेंस हैं, जो हमारे अंदर एसेंस हैं, पांचों पांच तत्व है, वो हमारे अंदर ही हैं, तो हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। और इस बात का उसको एहसास होता है कि अगर हमें अपना कोई भी कार्य करना है तो ब्रह्मांड के साथ ही करना पड़ेगा। बाकी ये सब चीजें समझदारी के लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि देखो, मन को बहलाने के लिए तो लोग कुछ भी कर लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, घंटी बजा देते हैं, घंटा लगा देते हैं, उनके काम भी हो रहे हैं। पर जो स्पिरिचुअल आदमी है वो भी ये सब काम करता है, पर करता समझदारी के लेवल पे है। वो ये समझ रहा है, ये समझता है कि जो हो रहा है वो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे फिल्म है, फिल्म के अंदर हर आदमी का रोल अपने अपना फिट है, हम चाहे भी तो उस रोल को चेंज नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल आदमी अपने आप को जानते जानते ये समझ जाता है कि जो दिन हो रहा है तो दिन रहेगी, रात हो रहा है तो रात होगी, रात के बाद दिन आएगा, मौसम बदलेंगे, और जो एक चीज कुदरत की तरफ से नेचर रूल पे चल रही है वो चलती रहती है, और वो उस चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा बेटर हो जाता है। दोस्तों, स्पिरिचुअल आदमी जो है अपने आप को हर वक्त खोजने की और जानने की कोशिश करता रहता है। वो आम आदमी भी अब कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ लेता है। जैसे कोई परेशानी होगी तो कहीं चला जाएगा, कभी कोई लॉन्ग पहन लेगा, कभी कोई अंगूठी पहन लेगा, वो भी वो टाइम पास कर देता है। पर जो स्पिरिचुअल आदमी है वो जानता है कि ये टाइम भी पास हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से पास कर देता है। इस बात का ध्यान रखें, समझदारी के लेवल की ये चीजें हैं। जो कोई कुछ कर रहा है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको करने दें। पर ये आपके समझदारी की बात है कि आप आध्यात्मिक हैं, आप वो चीज इजीली पास ऑन कर सकते हैं। आपका नजरिया क्लियर है, आप समझ रहे हैं कि इस फ्लो के साथ ही चल रहा है। बिना फ्लो के अगर हम जाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।